हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग? हाउ आर यू? आई होप ऑल ऑल इज वेल। तो ये देखिए, एनटीपीसी ने एफक्यूआर रिक्रूटमेंट निकाला है। इसमें इंजीनियर चाहिए इनको, और एमबीए और सीए वाले बंदे चाहिए, ठीक है। और ये एफक्यूआर गेट नहीं मांग रहे हैं। आपने अगर सिंपल बीटेक किया है तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपके 65% मार्क्स हैं तो आप इसमें अप्लाई कर दीजिएगा, ठीक है। और इसमें गेट नहीं मांग रहे हैं, ये बहुत अच्छी बात है कि क्या इन्होंने गेट नहीं मांगा एनटीपीसी में। और ये जो सैलरी दे रहे हैं, हाईएस्ट सैलरी 1,25,000 इन हैंड पर मंथ, ठीक है। तो देखिए, मैं आपको पूरा बता दूं कि इनका ये एडवर्टीजमेंट नंबर 18/22 निकला है, ठीक है। और ये आप www.ntpc.co.in पे जाके देख भी सकते हैं, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दे दूंगा। इसमें सिविल इंजीनियर मांग रहे हैं ये 14 पोस्ट, 60% मार्क्स होने चाहिए आपके। अगर आपके बीटेक में 60% मार्क्स हैं तो आप इसमें अप्लाई कर दीजिएगा, ठीक है। अब ये एक्सपीरियंस देखिए मांग रहे हैं, 3 साल का एक्सपीरियंस मांग रहे हैं। 3 साल का अगर आपके पास मिनिमम एक्सपीरियंस है तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। और इलेक्ट्रिकल इंजीनियर की 15 पोस्ट हैं, वहीं पर देख लीजिए बीटेक 60% मार्क्स मांग रहे हैं। अगर आपने एमई या एमटेक किया है तो आपके लिए प्रिपरेशन है, आप प्रेफर किए जाएंगे, ठीक है। और इसमें देख लीजिए बीटेक विद एटलीस्ट 60% मार्क्स होने चाहिए, ठीक है। और अगर आपने एमबीए किया है, ठीक है, तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। और जो एज लिमिट है जनरल के लिए 35 साल मांगी इन्होंने, एससी एसटी ओबीसी के लिए रिलैक्सेशन है 3 और 5 साल का। तो इसका पूरा देख लीजिएगा आप, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रहा हूँ, पूरा नोटिफिकेशन पढ़ लीजिएगा। और इसमें आप ऑनलाइन अप्लाई कर दीजिएगा अगर आपको लगता है कि आपके काबिल है ये नौकरी, ठीक है। इसी तरह देख लीजिए, बहुत अच्छी वैकेंसी निकाली है इन्होंने, बहुत अच्छी वैकेंसी निकाली है, ठीक है। इलेक्ट्रिकल इंजीनियर, सिविल इंजीनियर, मैकेनिकल इंजीनियर, कंप्यूटर इंजीनियर, आईटी, ईटी, ईसी, और अगर आप एमई एमटेक हैं तो भी अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। एमबीए वालों के लिए भी वैकेंसी है, अगर आपने सीए किया है तो सीए वालों के लिए भी वैकेंसी है इसमें, ठीक है। उनसे 5 साल का एक्सपीरियंस मांगा है इन्होंने। और ये देख लीजिएगा आप, इसमें किस तरह अप्लाई करना है देख लीजिएगा, ठीक है। और ये है टोटल इनका, सिविल के लिए 14, इलेक्ट्रिकल में 15, हाइड्रोजन 2, बिजनेस डेवलपमेंट के लिए एमबीए 1 है, जनरल में 1 है, ठीक है। उसी तरह देखिए, कॉन्ट्रैक्ट सर्विस है एग्जीक्यूटिव 4, सेफ्टी के लिए 1 है। इस तरह टोटल वैकेंसी निकली है, ऊपर वैकेंसी है इलेक्ट्रिकल और सिविल में इन्होंने निकाली है। टोटल 29 वैकेंसी है इलेक्ट्रिकल और सिविल के लिए। इसमें जनरल के लिए देख लीजिए 8 है, और इकोनॉमिक वीक वालों के लिए ईडब्ल्यूएस के लिए 1 वैकेंसी है। अगर आपके पास ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट है तो आपके होने की संभावना है इसमें, ठीक है। और लास्ट डेट देख लीजिएगा, इसकी लास्ट डेट जो है 29 जुलाई है, 15 तारीख को इसका आवेदन चालू हो गया है इसमें, ठीक है। और ये career.ntpc.co.in पर जाके आपको इसमें अप्लाई करना है। अगर अप्लाई करने में आपको कोई प्रॉब्लम लग रही है तो आप मुझे बता दीजिए, मैं बता दूंगा आपको किस तरह अप्लाई करना है, ठीक है। आप मुझे इनबॉक्स कर सकते हैं। तो देख लीजिए, बहुत बढ़िया वैकेंसी है आप लोगों के लिए, आपके बिना गेट के है, और 2-3 साल का एक्सपीरियंस सबके पास होगा यार, इसलिए अप्लाई कर देना आप लोग, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह, कैरियर से रिगार्डिंग और जॉब से रिगार्डिंग बढ़िया खबर के साथ। जय हिंद, जय भारत।